हरियाणा प्रदेश में एक दर्जन से अधिक जिले इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण से गुजर रहे हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच में है, जो प्रदूषण की दृष्टि से हानिकारक स्तर पर है। इसके पीछे जहां पराली को लेकर मुख्य कारण माना जा रहा है, वहीं वाहनों से निकलने वाले धुएं की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। इसी के चलते हरियाणा रोडवेज की सैकड़ों बसें प्रतिदिन हरियाणा व दिल्ली में यात्रियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है। इनको लेकर भी प्रदूषण की बात सामने आ रही है। वहीं भिवानी के जब रोडवेज जनरल मैनेजर नेत्रपाल खत्री से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 400 से ऊपर चल रहा है, वहीं हरियाणा प्रदेश में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए BS6 मापदंडों को अपनाया गया है, जो वाहनों से निकलने वाले धुएं की रोकथाम के लिए आधुनिकतम तकनीक है। इसी आधुनिकतम तकनीक को हरियाणा रोडवेज अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज की भिवानी डिपो से 26 गाड़ियां प्रतिदिन दिल्ली की ओर जाती हैं, जिनमें से 20 बसें भिवानी डिपो से, 4 बसें तोशाम सब डिपो से और 2 बसें लोहारू सब डिपो से दिल्ली की तरफ यात्रियों को लेकर जाती है। इन सभी गाड़ियों में BS6 तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो वायु प्रदूषण को रोकने में कारगर है। ऐसे में उनका मानना है कि वाहनों से निकलने वाले पोल्यूशन में रोडवेज की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। यदि फिर भी राज्य सरकार या दिल्ली सरकार इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी करती है तो इस बारे में विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। वहीं इस मामले में भिवानी रोडवेज के जनरल मैनेजर ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। और BS6 मॉडल आज के टाइम में देश में BS6 मॉडल ही चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, जो कि प्रदूषण के बराबर उनके अंदर। और BS6 की गाड़ियां दिल्ली में जा रही, किसी प्रकार का कोई व्यवधान अभी तक तो आया नहीं है और आने की संभावना भी नहीं किसी प्रकार का। टोटल कितनी बसें, मेरे पास टोटल लगभग 25-26 बसें मेरी दिल्ली जाती है, जिसके अंदर सब डिपो तोशाम, सब डिपो लोहारू और डिपो भिवानी है। भिवानी से 22 गाड़ियाँ हैं, 4 लोहारू से और 2 तोशाम से। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आया गाड़ियों चलाने में दिल्ली की तरफ से, क्योंकि हम BS6 की गाड़ियां हैं केवल दिल्ली में भेज रहे हैं। तमाम प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या किसी को आएगी तो उसका हल कर दिया जाएगा। वैसे किसी को समस्या आनी नहीं चाहिए और ना आएगी हमारी तरफ से।